अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मैंने आप लोगों को जो अपना व्लॉग दिखाया था उसमें आप लोगों को मज़ा तो आया होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया था कि काफ़ी दिन हो गए थे और मैं आप लोगों को फिर कोई चीज़ दिखाने का मेरा मन कर रहा था, लेकिन बट इस ब्लॉग में नहीं है, नेक्स्ट टाइम दूसरे ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे क्योंकि जल्दी आना था रायपुर, तो मैं मोहदाह से जल्दी आ गया था। और मुझे एक बात में बहुत हंसी आई है और मैंने कहा चलो आज इस टॉपिक में एक ब्लॉग बनाते हैं। प्लीज़ 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 एक बार प्लीज़। तो मैंने लोगों से बहुत भीख मांगी है, प्लीज़ एक बार, प्लीज़ 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 एक बार। एक घंटा बाकी है, एक घंटा। मैं सारी डिटेल ना आपको बता रहा हूँ, आपको कहाँ से करना है सोनी, ये मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। यार इतना भीख मांगना, और बम्बई जैसे शहर में तो बहुत भीख मिल जाती है, लेकिन मेरे पास ना स्टील का है। अगर कहीं ये चांदी का कटोरा होता ना तो इसमें और भीख मिलती, अगर कहीं सोने का होता तो फिर लोग मुझे भीख नहीं देते। तो मैंने ना स्टील का कटोरा लिया है, तो इसमें ना बहुत ज्यादा भीख मिल जाएगी। उनका मुंह सूखता रहता है बेटा, चाय मुझे यहाँ की चाय बहुत पसंद है, चाय पियोगे, ये बना दू वो बना दू, ऐसा कर दू वैसा कर दू। अब मैं अभी बोलूँ, 36 बार मैसेज आए थे आमिर की, उसमें जब मैं सबकी शादी में गया था, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बदत है। तो दौलत वाले जिन्होंने कभी दौलत दिखी नहीं है, अब उनको दौलत दिखी है तो वो हम लोगों को कीड़ा मकूड़ा समझते है, कीड़ा मकूड़ा समझते है। फिर मेरी बेटी तो विदा हो गई, कोई बात नहीं, मगर अब मैं क्या कहूँ, मेरी अभी तो तबीयत खराब, मेरी बेटी विदा हुई है, मगर एहसान फरमोश ये लोग, इनकी असलियत आप लोग नहीं समझोगे। और इंशाल्लाह मैं अपने मेरी बेटी की शादी में मेरे माँ को आने नहीं दिया है, उनको दहशत दिया है, घबरवाया है कि नहीं आपको आना नहीं है। और भी कुछ चंद लोगों को मेरी बेटी की शादी में नहीं आने दिया, मेरी बेटी के ना हाथ फेरा, मेरी बेटी विदा हो गई, अल्लाह का शुक्र है, हैं। मगर ये इस तरीके शाबाश बेटा, बहुत बोलते थे ना, मुमानी की हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है, और जुम्मू मामू भी जानते हैं, और मुमानी मतलब मुंह सूखता था, बेटा ये खा लो बेटा वो खा लो। तो मुमानी भी जान गई है कि आप कितने अच्छे हो, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने ही आया हूँ। क्या बोलते थे, आमिर की ज़िंदगी, पैसा है, इन लोग को सारे लोग मोहदाह में लोग जानते हैं, ये कैसे हैं, और मैं कड़ी उठाऊँगा, फिर वो एक कड़ी से वो दूसरी कड़ी, सब वो जुड़ती चली जाएंगी। तो यार मैं कभी कभी बहुत सोच में पड़ जाता हूँ कि मतलब तुम्हें कितनी बातें आती हैं, कितना लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो। अब ये सारे जो तुम्हारा बेवकूफ़पन है ना, वो सब लोग जान चुके हैं कि अब इसमें कोई रिजल्ट नहीं है। तो मैंने आप लोगों से वादा जो किया था कि मैंने आपको सबूत दिखाया, 12 तारीख को मैंने वादा किया था, और अपने वादे पे मैं खरा उतरा, और आपको मैंने ब्लॉग दिखाया। और मेरे 2 सवाल और रह गए हैं, मैं आपको वो भी, जब मेरे 3 सवाल हो जाएंगे उस दिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि मैंने अपने वादे पूरे किए, अब आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं, अच्छा कौन है बुरा कौन है। और प्लस जो भी है, मेरा तो आपको पता है कि जो मेरा काम है वो सारे लोगों को पता है, और मैं अपना मेहनत करके कमाता हूँ, बट क्या है यार, भीख नहीं मांगता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ करके भीख नहीं मांगता हूँ। खुद पे टैलेंट होना चाहिए इंसान के पास, तब इंसान बहुत आगे तक जाता है। और किसी को जब कहते नहीं, किसी का काम निकालो फिर उसको फेंक दो, तो ऊपर वाला भी ऊपर से देख रहा है, और तुम्हें खुशी नहीं मिल पाएगी, ये मेरा वादा है। जैसे कि इंसान होता है कि यार मुझे पैसा मिल गया, मुझे ये मिल गया, मैं वहाँ जीत गया, मैं यहाँ जीत गया, तो तुमको कभी खुशी नहीं मिलेगी। और बहुत जल्द अब दूसरे सवाल के साथ आप लोगों से मिलते हैं, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, खुश रहो और नफरत बांटो। अल्लाह हाफिज। मेरे सजदे में मैं खाना
Yeah.